गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अभी तक कैश बुक पे हमने फॉर्मेट देख लिया है, अब एक हम मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद टू बी कंटिन्यू देखेंगे न्यू कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक क्वेश्चंस है, मैं कोशिश करूंगा, साथ में डिस्प्ले होगा आपके। और क्वेश्चंस है आपका, प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक बिमल लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अच्छा है, देखते हैं इसके अंदर कैसे करेंगे। टू कॉलम कैश बुक के अंदर कहता है 2019 फर्स्ट जून की ट्रांजेक्शन दे रखी है, कैश का बैलेंस देता है। तो आपको पता है फर्स्ट जून 2019, फर्स्ट जून, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ 2019 लिख देता हूँ, जिससे पता चलता है कि सारा ट्रांजेक्शन 2019 का है। और फर्स्ट जून, 1 जून, 1 साथ, कैश बैलेंस, ठीक है। कैश बैलेंस के लिए इधर टू से स्टार्ट करेंगे, है ना? और इसके लिए क्या लगाएंगे? टू बैलेंस, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, और बैलेंस बीडी दे रखा है हमें 5,000 रुपये कैश का। सेकेंड जून, फिर से फर्स्ट जून को बैंक का भी बैलेंस है, तो हमें ना दो बार बैलेंस बीडी लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक बार में ही बैलेंस बीडी से काम चला सकते हैं। तो 17500, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ, और कैश रिसीव किया फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स, डिपॉजिट फ्रॉम बैंक अकाउंट। कहता है कि मैंने एक अपना घर का सामान बेचा, पर्सनल एसेट्स जो मेरा था, जैसे मान लीजिए मेरा पर्सनल एसेट्स जो भी हो सकता है, मेरा मोबाइल फोन अगर मेरा पर्सनल, उसको बेचा और पैसे मैं बिजनेस में ले आया। तो 5 जून को, 5 तारीख की बात कर रहा है ये, और कहता है कि कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स, कैश रिसीव हुआ और एसेट्स डिपॉजिट इन द फर्म बैंक, और बैंक में आ गया। तो इसका मतलब मैं बताऊं तो बिजनेस के अंदर पैसा एक्स्ट्रा अपने घर से लेके आया है, तो उसको टू कैपिटल लिखेंगे। टू कैपिटल ध्यान से देखिएगा, और बैंक में आ जाएगा हमारे 5,000, 5,000, ठीक है। बैंक में क्या आ जाएगा हमारे 5,000। समझ आई आपको बात कि अगर मैं कैश रिसीव करूंगा और बैंक में भेजूंगा तो आ जाएगा हमारा 5,000। मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखो, मान लो, सपोज करो ये आप हो, है, और ये बिजनेस है, और एक आपका मशीनरी, इस मशीनरी को आपने क्या करा, बेचा, सोल्ड किया, और ये पैसे आपके पास आए, और नाउ आप पैसे बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा रहे हो। तो एक तरीके से बिजनेस का बैंक का बैलेंस बढ़ा, और आप बिजनेस में पैसे लगा रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि आपने अपने घर से पैसे लगाए, तो कैपिटल ही तो होगा। आप डेफिनेशन याद करो सेकंड चैप्टर की, ठीक है ना? तो इसलिए कैपिटल लिखा है। 6 जून को चेक रिसीव एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इन टू द बैंक। चेक रिसीव भी किया 6 तारीख को और बैंक में भी जमा कर दिया। और क्यों किया? एडवांस रिसीव, एडवांस लिख देते हैं, या हम लिख देते हैं एडवांस, और ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल। सेल के लिए एडवांस इनकम है कितने रुपए? इसके लिए 50,000 रुपए मिला है, और पैसा कहाँ? चेक, और बैंक में जमा भी हो गया। याद होगा ना आपको, जब बैंक में जमा नहीं होता तो हम उसके लिए चेक इन हैंड करते हैं। पेड एस बॉस बाय चेक डिस्काउंट रिसीव 200 रुपये। अब यहाँ बड़ी समस्या होती है बच्चों को। मैंने कहा कि पेड कर दिया, मैंने मैंने पेड कर दिया। किसको पेड कर दिया? मैंने एस बॉस को, एस बॉस को मैंने पेड कर दिया, और पेड कितना करा? 12,500। अब बच्चों का कहना होता है, सर इसमें से क्या डिस्काउंट जो 500 रुपये है वो माइनस करने हैं या फिर माइनस करके हैं? देखो, जब पेड वर्ड आ गया ना आपके पास, पेड, तो इसका मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड है, माइनस हो चुका है, ठीक है? इसका मतलब ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो मैंने एस बोस को पेड किया। अब किस चीज का पेमेंट है, उससे लेना देना नहीं है, तो सिर्फ मैं लिखूंगा बाय एस, और डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करेंगे, 12,500 रुपये। और तारीख है 7 जून, 7/6।
9 जून की बात करें तो 9 जून को हुआ क्या, पेड वेजेस इन कैश। तो बताइए पेड वेजेस किया तो इधर से ही तो जाएगा 9 जून 9/6 को। मैंने यहाँ 7 लगा दिया, जुलाई है 6 होगा, ठीक है वो बाय मिस्टेक लगा दिया, कोई बात नहीं। तो बाय क्या पेड किया है इसने, वेजेस, वेजेस पेड किया कितने का, 3,000 रुपए का कैश में, तो कैश कॉलम में। रिसीव अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी, अब थोड़ा सा सावधान हो जाओ, ए मुखर्जी से चेक रिसीव किया। क्वेश्चन में चेक करो कि जो चेक है ये जमा हुआ या नहीं हुआ, आगे तक कहीं कुछ नहीं बोला, ड्रॉन फ्रॉम बैंक, पेड सैलरी, कुछ भी नहीं बोला गया। पीछे देखते हैं और इसमें कंटिन्यू में बोला गया है एंड सेंट इन टू बैंक, बैंक में उसी टाइम भेज भी दिया गया। क्वेश्चन में देखो अच्छी बात है बता दिया आपको, नहीं तो हमें चेक इन हैंड करना पड़ता। तो टू मुखर्जी, टू मुखर्जी, टू मुखर्जी, ठीक है, और टू मुखर्जी, और ये चला गया हमारे कहाँ, अमाउंट दे रखा है हमें 6,000 और ये आ गया बैंक में। समझे बात को आप, मुखर्जी से मुझे चेक मिला और बैंक में उसी टाइम जमा करा दिया, इसलिए टू मुखर्जी। अगर हम बाद में जमा करवाते तो किस नाम से होता है, चेक इन हैंड के नाम से होता है ना। चलिए आगे देखते हैं, 21 जून को कहता है ड्रॉन फ्रॉम बैंक, 21 जून को ड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब भाई ये एक कैश बुक है और ये एक बैंक है, तो अगर बैंक से मैं निकालूंगा तो कैश बुक प्लस होगा और बैंक माइनस होगा, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गया ना, ड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो मैं टू, सबसे पहले तो कैश प्लस होगा तो टू बैंक लिख के और मैं कैश कॉलम में लिखूंगा कितने रुपए, 5,000, और इसके आगे सी वर्ड लगाया जाएगा और तारीख है 21 जून। दूसरी एंट्री बाय में भी करना पड़ेगा, बाय सबसे पहले क्या होगा, बैंक माइनस, तो बैंक में तो माइनस कर ही दूं मैं 5,000, लेकिन जब बैंक माइनस हो रहा है तो किससे करेंगे, कैश अकाउंट, ठीक है, और डेट सेम रहेगा 21/6 और यहां भी कॉन्ट्रा, ठीक है ना। देखा था हमने, नोट किया था कॉन्ट्रा एंट्री पे, सारा नोट वगैरह देखा था हमने फर्स्ट क्लास में डबल एंट्री कॉलम के। इसके बाद कहता है पेड ऑफिस सैलरी इन कैश, ठीक है भाई साहब पेड कर दिया ऑफिस सैलरी इन कैश, तो बाय सैलरी और कैश में पेमेंट किया है, क्वेश्चन बता रहा है 4,000 रुपये, तो मैंने 4,000 रुपये लिखा और तारीख है 29 जून। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसके बाद सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक इन द सेम, 30 जून को मैंने सेल्स किया, 30 जून को सेल्स किया, तो हमने टू सेल्स तो लिखा। अब कहता है इसको बैंक में जमा करा दिया इंस्टेंट, तो कुछ जैसे कुछ बुक के में या फिर कुछ बच्चे बोलते सर इसकी तो कॉन्ट्रा होनी चाहिए क्योंकि पहले हमारे पास कैश आया और फिर बैंक में जमा करवाया, तो कॉन्ट्रा होना चाहिए, लेकिन सेम डे पे अगर आपने बैंक में जमा कर दिया तो इसकी डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो। तो मैं कॉन्ट्रा एंट्री करने के बजाय, इतना लेंदी हो जाएगा, कहता है सोल्ड गुड्स इन कैश, कैश में बेचा, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, ये आपने क्या करा, बिजनेस ने सेल्स किया, कैश आया तो मैंने टू सेल्स लिखा और कैश कॉलम में लिख देता हूँ मैं कितने रुपए, 8,000 रुपए, सिंपल ये हो गया। अब कैश आपके पास है बिजनेस में, अब नाउ आप कहाँ जाओगे, दौड़े दौड़े बैंक में लेके जाओगे, तो बैंक में लेके जाओगे तो बैंक क्या होगा, प्लस होगा और आपका कैश माइनस हो जाएगा। तो बैंक को प्लस जब करेंगे तो टू साइड में ही मुझे कैश के नाम से एंट्री करके बैंक में दिखाना पड़ेगा ये, और यहाँ बाय साइड में जाके हम बैंक के नाम से एंट्री करके कैश कॉलम में दिखाना पड़ेगा। तो ये एंट्री तो है बैंक में जमा करने की, ये एंट्री जो है ये बैंक में जमा करने की, बैंक में जमा करने की, ठीक है ना, और ये सेल्स करने की, ये तीन हो गई। कई बार आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, टू सेल्स लिखो और बैंक कॉलम में लिखो, बात खत्म। तो मैंने डिटेल एंट्री किया है जो आपने भी करना चाहिए, ठीक है। पेड रेंट बाय चेक, रेंट चेक से किया 30 जून को, 30/6 को, तो बाय रेंट और किस कॉलम में जाएगा बताइए, फटाफट बताइए किस कॉलम में जाएगा, जाएगा 1,000। तो देखो पहले ही कहा मैंने लाइव क्लासेस तो मैं लेता हूं, लेकिन मैं डाउट कमेंट क्लास के दौरान बिल्कुल भी नहीं लेता, क्लास के बाद बिल्कुल मैं लूंगा आपका, मैं मना नहीं कर रहा कि, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्या होता है कि मैं सीधा क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ।
चलिए जी, नीचे दो लाइन खींचना जरूरी है और देखते हैं कोई एंट्री, कोई एंट्री नहीं रहा। टोटलिंग करते हैं और इस टोटल को मैच कर देते हैं। पहले कैश का टोटल 5,000, 5,10 और 18,000, और यही टोटल आ गया इधर 18,000। और बाय बैलेंस, बैलेंस सीडी अमाउंट आएगा कब, 30/6 को। 30/6 को बैलेंस में क्या आएगा, 8,000। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, 18,000 माइनस 3,000 माइनस 4,000 माइनस 8,000, तो इसका आंसर आ गया 3,000। अब बैंक का देखते हैं, 17,500, 5,000, 50,000, 6,000 और 8,000। ये आ गया 86,500, 86,500 माइनस करते हैं 12,500, 5,000 और 1,000, 68,000। ये आ गया 68,000। ये क्वेश्चन सेम आपको आपके टीएस ग्रेवाल में भी मिल जाएगा, बाकी असाइनमेंट नोट्स में तो दे ही रखा है। अब एक काम और करना है आपको सर, क्या काम करना है, इस बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी बनाना है एक साथ को, टू बैलेंस, टू बैलेंस, बैलेंस बीडी। और आ गया हमारा 3,000 कैश वाले का और 68,000। फटाफट नोट करिए, फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे हम प्रैक्टिकल, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से नोट करिए आप फटाफट, फिर एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए, कर लिया नोट, ओके, ये मिटा देते हैं, ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, मिटा दिया, पूरा ही मिटा दिया। इसको थोड़ा इधर से लेते हैं, चलिए बच्चे, ये LF बन गया है ना, तो थोड़ा मैंने इसी को यूज किया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट भी है और बाकी मैं साथ में डिस्प्ले भी कर रहा हूं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कैश इन हैंड 15,000 मार्च 1, 2020। अब ये 2020 की बात है और मार्च 1 यानी 1-3। कहता है कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक भी है, तो आपको अच्छे से पता है कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के लिए वर्ड लगाते हैं टू बैलेंस बीडी, और ये ओपनिंग बैलेंस होता है 15,000 और 5,000। कैश कॉलम में क्या आएगा, 15,000, और यहाँ पे क्या आएगा, 5,000।
थर्ड मार्च की एंट्री देखते हैं क्या कहता है। थर्ड मार्च की एंट्री में परचेज गुड्स फॉर कैश, सामान कैश में खरीदा 6720 एंड रिसीव कैश डिस्काउंट 20220। तो कहता है हमने परचेज गुड्स किया कैश में रुपीस इतने का एंड रिसीव कैश डिस्काउंट 220। तो सिंपल सी बात है, हमने परचेज गुड्स किया फॉर कैश रुपीस ये और रिसीव डिस्काउंट किया। अब यहाँ पे कंसर्न ये है कि सर इस वाले पॉइंट में डिस्काउंट माइनस है या नहीं है, तो यहाँ क्लियरिटी नहीं है कि हमने गुड्स खरीदते टाइम पे पेमेंट कितना किया, कैश में खरीदा और कैश डिस्काउंट भी मिला है 220 रुपये। तो इसका मतलब मैं हम मान के चलेंगे इसमें से अब डिस्काउंट माइनस करना है, तो नोट दे देंगे हम लास्ट में और क्या कर सकते हैं, 3-1 को। जनरली इसमें इसी तरीके से होता है 3-3 को। तो बाय परचेज आएगा, बाय परचेज, और परचेज जैसे ही बाय आएगा टोटल 6720 रुपए का सामान था उसमें से माइनस करो सीडी, सीडी 220, तो इसका मतलब 6500 रुपीज मैंने दुकानदार को पेड किया होगा। क्वेश्चन में कहता है परचेज गुड्स कितने का, 6720 का, 6720 जिसमें से कैश डिस्काउंट माइनस कितना होगा 220। तो सिंपल सी बात है कि भाई मैंने जो परचेज करके पेमेंट किया होगा 6500, और कैश बुक में तो सिर्फ पेमेंट का हिसाब किताब रखेंगे, तो इस कॉलम में लिखेंगे 6500, ठीक है ना। आगे डिपॉजिट इनटू बैंक 5000, 5 मार्च को, 5-3 को बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा 5000 से, बिल्कुल। और क्यों बढ़ा भाई, क्योंकि बैंक में कैश आया है और ये कॉन्ट्रा एंट्री है ना। और बाय साइड में फिर यही होगा हमारा, कैश का बैलेंस तो कम हो जाएगा डिपॉजिट करने पे, क्योंकि कैश ही तो जमा करेंगे, और क्यों कम हुआ ये हमारा, बैंक की वजह से, तो इसको भी कॉन्ट्रा एंट्री, और डेट आ जाएगा सेम 5-3। तो देखो कितना आसान है कॉन्ट्रा एंट्री, है ना, ठीक है। कैश सेल्स 10000, 7 मार्च को, 7-3 को कैश सेल्स 10000, 2 सेल्स लिखेंगे, और कितने सेल्स किए कैश में हमने 10000, तो ये आ गया हमारे कैश कॉलम के अंदर 10000 रुपए। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 2000, बैंक से 2000 रुपए विड्रॉन किए हैं। अब फिर से कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक से विड्रॉन किए हैं, तो सबसे पहले हम बैंक से विड्रॉन करेंगे तो कैश बढ़ जाएगा 2000 से, और क्यों बढ़ा, क्योंकि बैंक से विड्रॉन किया है, डेटेड है 10 मार्च का, है ना, ये भी कॉन्ट्रा। दूसरी एंट्री कहां फर्क पड़ेगा, बैंक से विड्रॉन किया है तो बैंक माइनस होगा 2000 से, ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्यों माइनस हुआ, क्योंकि हमने कैश निकाला है, और डेट क्या है हमारा 10-3। आवाज आ रही है ना आपको, 10-3। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में, कंटिन्यू में, के कैश विड्रॉन के बाद रिसीव 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, अब ये समझते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मुझे आज जो भी डेट है एक्स वाई जेड, मान लेते हैं कि आज 20 तारीख, 5, 6, 7 तारीख आज, ठीक है, मान लेते हैं आज 6 तारीख है और कल 7 तारीख है, मुझे कल किसी को इंपॉर्टेंट चेक देना है, पैसे देने हैं, और हुआ क्या, मुझे आज रात को ही निकलना है, तो मैं क्या करूंगा, आज ही चेक काट के दे दूंगा आपको, आज ही चेक दे दूंगा, भाई ये लो चेक, तुम्हें कल पैसे देने थे। आपने मेरे से बोला कि सर आपको तो पैसे कल देने थे, मैंने बोला मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूं तो आप अभी ले लो, तो मैंने आपको दे दिया चेक, और चेक दे दिया, और आप उसे कल जाके क्या करवा सकते हो, एनकैश करा सकते हो। मैंने आज जो चेक दिया वो आज की तारीख नहीं डाली, उस पर तारीख कब की डाली है, कल की, तो ये हो गया पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक था जिसका पैसा अगर आज आप गलती से बैंक में लेके पहुंच जाओ तो नहीं मिलेगा आपको। तो कहता है रिसीव 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक, हमें कहीं से चेक मिला था 20,000 का फ्रॉम राज एंड डिस्काउंट फ्रॉम बैंक पेइंग डिस्काउंट चार्ज 750। वैसे पोस्ट डेटेड चेक जनरली डिस्काउंट होता नहीं, लेकिन क्वेश्चन में है तो कर देते हैं। तो मुझे जो चेक मिला था 3 महीने बाद मुझे 20,000 मिलने थे, 3 महीने बाद मुझे 20,000 मिलने थे, किससे मिलने थे, मुझे राज से, लेकिन मेरे पास चेक अभी राज ने हाथ में दे दिया, मेरे मन में लालच आ गया कि मेरे पास चेक तो आ ही गया, बैंक में जमा कर देते हैं। मैंने लिखा, कुछ सोचा नहीं, 3 महीने की बाद का डेट मैंने टू राज लिख दिया, और डेट है 15 मार्च, और 15-3 लिख दिया, लेकिन बैंक वालों ने बोला शर्त है आपको 20,000 नहीं देंगे, कंडीशन है।
आपके 750 रुपये काट लेंगे इसमें से डिस्काउंट चार्ज के नाम से, यानी आपको 19,250 रुपये दिए जाएंगे। मैंने बोला डन, कोई बात नहीं जी, दे दीजिए मुझे 19,250। तो ये लो मेरे बैंक में तो आ गया 19,250। समझ में आई बात आपको? इसी एंट्री के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन करवाया, तो 19,250 मेरे बैंक में आ गया। अब एक और फिर आगे देखते हैं, 18 मार्च का, रिसीव चेक फ्रॉम दीपक 5,000, नॉट बैंक अलाउड डिस्काउंट 200। दीपक से चेक रिसीव किया 5,000 का। अब मैं क्वेश्चन में कह रहा हूं कि मैंने दीपक से जो चेक रिसीव किया वो 5,000 का है, उसको डिस्काउंट 200 को दिया, तो इसका मतलब सेम है कि ये जो 5,000 रुपए का मैंने चेक रिसीव किया इसके अंदर ऑलरेडी डिस्काउंट माइनस करके है ये। अब हमें माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, यहां पे हमने किया था क्योंकि यहां पे बोला टोटल अमाउंट इतना है, डिस्काउंट इतना है, तो माइनस किया। यहां पे तो क्लियर कह रहा है कि भाई चेक मुझे 5 का मिल चुका है, तो यानी डिस्काउंट काट पीट के मिला होगा मुझे। रिसीव चेक फ्रॉम दीपक नॉट बैंक, अभी तक बैंक में जमा ही नहीं करा, तो जब बैंक में नहीं जमा किया जाता तो हम क्या करते हैं, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड भले ही बैंक कॉलम में लिख देंगे, कितने का, 5,000 का, जब आएगा तो देखा जाएगा। चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इनटू बैंक, 20 मार्च को इस वाले चेक को जमा कर दिया, तो 20 मार्च की कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि 20 मार्च की हम ऑलरेडी एंट्री को कर चुके हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो चेक रिसीव जो किया हमने वो तो चेक इन हैंड से कर दिया, लेकिन जब जमा करवाने गए तो जमा करवाने वाले दिन नहीं करेंगे क्योंकि इस डेट पे एंट्री कर चुके हैं हम, ठीक है जी। 18 के बाद, 20 तारीख के बाद 22 तारीख, पेड चंद्रा बाय चेक 2,500, और मैंने पेड किया चंद्रा को बाय चेक 2,500, यानी चंद्रा को मैंने 2,500 का चेक दे दिया और रिसीव डिस्काउंट 100 रुपए। अब यहां पे भी अजम्पशन है कि इस 2,500 में डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस है, क्योंकि जब मैंने पेड टू चंद्रा बाय चेक रुपीज 2,500, मैंने चंद्रा को 2,500 का चेक दे दिया है, ये लो चंद्रा 2,500 का चेक, और डिस्काउंट मिल गया 100 रुपए, तो बाय साइड में एंट्री किया जाएगा बाय चंद्रा, और तारीख है 22 तारीख, तारीख है 22 तारीख, और चंद्रा को मैंने 2,500 रुपए दे दिए, ये लो 2,500 रुपए, डिस्काउंट कट करके है। तो जब आपसे बोला जाए ना चेक रिसीव चेक पेड, तब उसमें डिस्काउंट एडजस्ट होता है। अगर मैं बोलूं अमाउंट ड्यू एंड चेक पेड इन फुल सेटलमेंट, तब डिस्काउंट माइनस करना होता है। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये लो जी कंफ्यूजन एंट्री, बैंक से विड्रॉन किया है पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होगा, कॉन्ट्रा नहीं है, ड्रॉइंग, ये ड्रॉइंग है, और निकाला बैंक से 1,000 रुपए, लो बैंक को माइनस कर दिया। आगे कहता है सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर रुपीज 1,000, धोखा, अशोक को 1,000 रुपए का गुड्स बेचा गया, उधार है, क्या उधार की एंट्री यहां पे करेंगे, आंसर नो, यहां पे उधार की एंट्री नहीं की जाएगी। ओके, 28 तारीख है, इसके लिए नोट देंगे हम, नोट कुछ मैं लिखूंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। परचेस गुड्स फ्रॉम चंद्रा फॉर 2,000 रुपए, फिर से धोखा, यह भी उधार में खरीदा गया है, क्या इसकी एंट्री करेंगे, नहीं जी नहीं करेंगे इसकी एंट्री, उधार की एंट्री करते ही नहीं। लास्ट एंट्री कहता है रिसीव चेक फ्रॉम अशोक 5,000 एंड डिपोजिट इन टू बैंक एंड अलाउड कैश 200 रुपए, कोई बात नहीं जी, अशोक से हमें 5,000 रुपए मिल गए, तो चेक मिल चुके हैं ना मुझे अशोक से 5,000 रुपए का, तो चेक मिल गया और बैंक में भी जमा कर दिया, तो अब लिखेंगे टू अशोक, टू अशोक, और अशोक से मुझे 5,000 का चेक मिला, तो जब चेक लेन देन हो तो डिस्काउंट कटा हुआ होता है, तो मान लेते हैं इसमें डिस्काउंट कटा हुआ है, मान लेते हैं क्या होता ही है जनरली, चलिए जी हो गया। अब नोट किस किस के लिए लिखना है देखिए, पॉइंट नंबर वन, एक तो नोट लिख देते हैं हम किसके लिए, नोट 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 लिखेंगे जो जरूरी है 28 मार्च के लिए, 28/3 के लिए, कि सोल्ड गुड्स टू अशोक, सोल्ड गुड्स, इसे मिटा देते हैं, सोल्ड गुड्स टू अशोक ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे बेचा है, हेंस नो नीड टू एंटर या एंट्री या पोस्टिंग
इन द कैश बुक। समझे बात को? सेम दूसरा नोट भी लिखना पड़ेगा, कब का? 30 मार्च के लिए। परचेज गुड्स फ्रॉम चंद्रा, परचेज गुड्स फ्रॉम चंद्रा, परचेज गुड्स फ्रॉम ₹20,000 ऑन क्रेडिट, हेंस नो नीड टू एंटर इन कैश बुक। सीबी कर दिया कैश बुक, सीबीआई नहीं, सीबी कैश बुक। ठीक है, लो जी, अब बस टोटलिंग करना है हमें, और तो कोई समस्या के विषय है नहीं इसमें, सिर्फ टोटल टोटल रह गया। तो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है। 15,000, 10,000, 2,000, 27,000, 27,000, ठीक है, माइनस 6,500, माइनस 5,000, 15,500 बाय बैलेंस सीडी 15,500, तारीख 31/3, 2020 की एंट्री। आप लिखना चाहते हो तो 2020 लिख सकते हो। बैंक में 5,000, 19,250, 5,000, 5,000, 39,250, 39,250, ये लो जी, बंद कर दिया। यही बोल रहे थे आप, बंद कर दिया। 2,000, 2,500, 1,000, ये लो जी, हमारा जो आंसर है इसमें 33,750, बिल्कुल सही, 33,750। इसको बैलेंस बीडी बनाना है, कब? 1/4 को। ये बैलेंस बीडी आप बना के भेजोगे मुझे, जब होमवर्क मुझे भेजोगे आप, तो ये बीडी बना के भेजोगे, ठीक है? ओके सर, बिल्कुल ठीक। चलिए नोट करिए अब इसको भी फटाफट से, अब फटाफट नोट करिए। फिर एक और क्वेश्चन ढूंढता हूँ मैं आपके लिए, नोट करिए इसको। कर लिया जी नोट? आज हमने दो क्वेश्चन किया है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हम करने वाले हैं, पहले आप इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करिए, और मैंने जो असाइनमेंट दिया है उसमें 10 तक क्वेश्चन आपने करे होंगे आई होप, तो मैं 10 तक के आज डाउट लूंगा। तो ये क्वेश्चन नोट करिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे, टू बी कंटिन्यू, ठीक है? तो पहले फटाफट से नोट कर लिया हो आई होप आपने।